एक बार की बात है जब सुरेश अपनी पत्नी रीमा और बेटे डुग्गू के साथ हंसी खुशी एक घर में रह रहा था। सुरेश अच्छी खासी नौकरी करता था और उसका बेटा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर एक दिन अचानक सुरेश का ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है। सबको नया घर बड़ा ही पसंद आता है। सब लोग सारा सामान लगाकर सो जाते हैं। अब रात को जब वहाँ सब सो रहे होते हैं, तभी रसोई में कुछ आवाज आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने खिड़की खोली है और कोई रसोई के अंदर आया है, पर वो कोई नहीं, बंदर होते हैं जो बहुत ही भूखे होते हैं। बंदरों को रसोई की खिड़की खुली मिलती है तो बस वो वहाँ घुस जाते हैं और जो मिलता है वो सब खाने लगते हैं। अच्छे से पेट भरने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब सुबह होती है और रीमा रसोई में नाश्ता बनाने आती है तो रसोई की हालत देखकर वो जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अजी जल्दी आओ, देखो तो जरा ये सब क्या हो गया। रीमा की चीख सुनकर जल्दी से महेश रसोई में भागता है और रसोई की हालत देख उसके भी होश उड़ जाते हैं। अरे ये सब किसने किया? इतनी बुरी हालत कौन कर सकता है? और कितनी अजीब बात है कि पूरा घर बिल्कुल ठीक है, बस रसोई की हालत ऐसी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जी, आप जरा पुलिस में कम्प्लेन करो ना। महेश जल्दी से बाहर जाता है, तभी उसको नीचे ढाबे वाला दिखता है। अरे भाई साहब, आप यहाँ नए हो ना? जी हम कल ही आए हैं, और पता नहीं रात को हमारे घर में कौन घुस गया, पूरी रसोई में सब बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब, आप यहाँ नए हो ना, इसीलिए आपको कुछ नहीं पता, ये सब उन बंदरों का काम है। हाँ। बंदर? हाँ बंदर, इस बाग में बहुत सारे बंदर रहते हैं, वो अक्सर खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। कल आपकी खिड़की शायद खुली रह गई होगी, तभी उनको मौका मिल गया बस। ओ तो ये बात है, फिर तो मुझे कोई दिक्कत ना है, मैं तो हूँ ही हनुमान जी का भक्त, और आते ही उन्होंने हमारे घर दर्शन दे दिए, इससे अच्छी और के बात होगी। अरे भाई साहब, अभी आप नए हो, कुछ दिन रह लोगे तो सर पकड़ कर रोने लगोगे, कितना बुरा हाल किया हुआ है यहाँ बंदरों ने, रोज मेरे ढाबे से इतना कुछ खा जाते हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ इनसे। हाँ। अरे ना ना, ऐसा कभी ना होगा, चलो जी मैं बाद में मिलता हूँ। महेश फिर अपने घर वापस आ जाता है और रीमा को सारी बात बता देता है। उस दिन के बाद से रीमा रोज बंदरों के लिए बाहर खिड़की पर खाने का कुछ रख दिया करती थी, ताकि बंदर आकर खा सके। महेश और उसके परिवार को बंदरों से कोई दिक्कत नहीं थी, पर आसपास के पड़ोसी और खासकर सामने वाले ढाबे वाला उनसे बहुत ही दुखी था। एक दिन तो वो ढाबे वाले का ढाबा ही इधर का उधर कर देते हैं। ढाबे वाला बड़ा ही परेशान हो जाता है और गुस्से में होता है। अरे इन बंदरों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, अब इनको कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ। बस फिर ढाबे वाला रात को ढाबे के सारे खाने में जहर मिला देता है। रात को बंदर आकर खाना खाने लगते हैं और धीरे धीरे सब मर जाते हैं। ढाबे वाला बंदरों को मरा देख बड़ा ही खुश होता है। वाह, अब जल्दी से इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहीं पार्क में बड़ा सा गड्ढा खोद कर इनको दफना देते हैं। हाँ, हाँ बाबूजी, इनको यहीं दफनाना ठीक रहेगा, जल्दी से हम अब वहीं गड्ढा खोद देते हैं। बस फिर सब फटाफट गड्ढा खोदकर उन सभी बंदरों की लाशों को उस गड्ढे में दफनाकर घर चले जाते हैं। अगले दिन ढाबे वाला बड़ा खुश होकर काम करता है कि अब उसकी बहुत कमाई होगी। पहले दिन तो काफी लोग वहाँ पर आते हैं, पर बंदरों को वहाँ न देखकर सब उनके बारे में पूछने लगते हैं। अरे भाई, आज एक भी बंदर नहीं दिख रहा, क्या बात है? पता नहीं भाई साहब, पर आज कोई बंदर नहीं आया। सभी लोगों को बड़ा ही अजीब लगता है कि पहली बार ढाबे पर कोई बंदर नहीं आया। ऐसे ही दो तीन दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे ढाबे पर आने वाले लोग कम होने लगते हैं। अरे अब तो और ज्यादा लोग मेरे ढाबे पर आने चाहिए, पर पता नहीं इसका उल्टा ही हो रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ढाबे वाले को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि ढाबे वाले के पास तो बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, उसका पूरा खाना ऐसे ही रखा रह जाता है। और फिर उस रात ढाबे में अजीब सी हलचल होती है, वहाँ कोई लोग नहीं बल्कि सभी भूतिया बंदर आ जाते हैं। वो सारे ढाबे का खाना खा जाते हैं और बचा खुचा सब फैला देते हैं। उसके बाद वो बंदर बड़े ही खुश होते हैं, पूरे ढाबे में उछल उछल कर खूब मजे करते हैं।
सुबह तक वो सब खाने की चीजों को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब ढाबे वाला वहाँ आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरा ढाबा किसने बर्बाद किया? अरे ये सब कौन खा गया? रसोई में तो ताला लगा था, पर ये किसने किसने और कैसे खोला? अरे बाबूजी, ये तो देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ बंदर आए थे। बंदर हाँ। ए, पगला गए हो क्या तुम? बंदर? अरे वो कैसे आ सकते हैं? है? उनको तो हमने मार दिया था ना। हाँ, पर ये काम इंसानों का बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप जरा वो कच्ची खाई हुई सब्जियों पर नजर डालो, ऐसे तो बस वही बंदर आकर खाया करते थे। हाँ। ढाबे वाला सोच में पड़ जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वो सारा ढाबा फिर से ठीक करवाता है और सारा खाना बनवाता है, पर उस दिन भी सारा खाना ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। फिर उस रात भी सारे भूतिया बंदर आकर सारा खाना खा जाते हैं और बचा खुचा सब बर्बाद कर जाते हैं। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और ढाबे वाला एक दिन दुखी होकर रोने लगता है। तभी वहाँ से महेश गुजरता हुआ जाता है और उस ढाबे वाले को रोता देख कर उससे पूछने लगता है, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं मैं आपको, जब से वो बंदर गायब हुए हैं तब से मेरे ढाबे पर ग्राहक आना भी कम हो गए हैं। अब तो रोज सारा का सारा खाना बच जाता है, पर जब सुबह आता हूँ तो सब खाना खत्म मिलता है और सब बिखरा हुआ होता है। अरे भाई, आपने तो बोला था यहाँ बंदर है, तो बस वही आ गए होंगे। नहीं नहीं, वो नहीं आ सकते। हाँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो नहीं आ सकते? मैंने तो खुद उनको कल तक ढाबे पर हलचल करते देखा है। क्या 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 तुम सच बोल रहे हो? पर वो कैसे आ सकते हैं? वो आ ही नहीं सकते। हाँ, नहीं आ सकते। पर क्यों, ये तो बताओ। वो बस नहीं आ सकते। हाँ, क्योंकि तुमने उनको मार डाला है, इसलिए ना। ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और बंदर हनुमान जी का रूप है। जो तुम नहीं देख सकते हो मैं वो देख सकता हूँ। उन बंदरों की भाषा समझ सकता हूँ। मुझे उन बंदरों ने समझाया कि कैसे तुमने उनको मार डाला और इसीलिए तुम आज बर्बाद हो गए हो। अरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि बंदरों के मरने के बाद तुम्हारे ढाबे पर लोग क्यों आना बंद हो गए? हाँ, वो पर पता नहीं। क्योंकि उन बंदरों के नसीब से तुम्हारा ढाबा चल रहा था। वो बंदर लोगों की थाली से खा जाते थे, पर कभी कोई ग्राहक उनसे परेशान नहीं हुआ, बल्कि लोग फालतू खाना लेते थे ताकि वो उन बंदरों को खिला सके। जब उन बंदरों ने आना बंद कर दिया तो उन लोगों ने भी आना बंद कर दिया। वो लोग इसी ढाबे पर आखिर क्यों आते थे? क्योंकि ये ढाबा सबसे अलग था, वो भी उन बंदरों की वजह से। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उन बंदरों के होते सब अच्छा था और उनके मरते ही सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। महेश वहाँ से चला जाता है और ढाबे वाला बस सोचता रह जाता है कि वो आखिर करे तो क्या करे। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। फिर वो अगले दिन ढेर सारा खाना बनवाता है और ऐसे ही खुला छोड़कर चला जाता है। रात को सभी भूतिया बंदर आकर वो खाना खाते हैं और खूब उधम मचाते हैं। अब ढाबे वाला रोज उन बंदरों के लिए खाना बनवा कर रखने लगता है और रोज वो बंदर आकर खाना खाते हैं। ऐसा करते करते ढाबे वाला बहुत गरीब हो जाता है और उसका सब कुछ बिक जाता है, पर वो बंदरों के लिए खाना रखना नहीं छोड़ता। ये सब देख बंदरों को एक दिन उस पर तरस आ ही जाता है और वो एक दिन उसको दिखने लगते हैं। भूतिया बंदर उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन ढाबे वाला जैसे तैसे करके फिर से खाना बनाता है और वहाँ से जाने ही लगता है कि वहाँ एक छोटा सा बंदर का बच्चा आता है। ढाबे वाला उसको देख खुशी से उसे देखने लगता है। उस बच्चे को देख वापस ढाबे पर लोग आने लगते हैं। उस बच्चे के कारण वो ढाबा फिर से चल पड़ता है और सब कुछ पहले जैसा।